Hey, hi. Hi from me, please. And I'm ready for one more small adventure of different kind this time. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था एंड यू ऑल नो दैट आई ऑलवेज बिलीव इन ओनली वन थिंग दैट इज हमें जिंदगी को जी लेना चाहिए और अच्छी तरीके से जी लेना चाहिए. जैसा भी हो उसी तरीके से हम लोग को ऊपर वाले को धन्यवाद करते हुए निकल जाना चाहिए. बिकॉज कहीं बाद में हमें ये मलाल ना रह जाए कि एक जिंदगी थी, जीनी थी और रह गई. बेसिस ऑन दैट इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक छोटा सा वीडियो पेश कर रहा हूं जहां पे मैं आज करीबन 22-25 साल के बाद बस में ट्रेवल करने वाला हूं. फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड दुमका इन झारखंड टू ए प्लेस कॉल्ड आसनसोल इन वेस्ट बंगाल. द डिस्टेंस इज हार्डली 91-92 किलोमीटर्स. लेकिन इतने दिनों के बाद बस में ट्रेवल करने का एक मजा ही शायद कुछ और है. एंटिसिपेशन है, एक्साइटमेंट है, धुकपुकी है. दोपहर के 2:30 हो रहे हैं और मैं आज बहुत सालों के बाद कोई बस में जाने वाला हूँ तो एक्साइटेड तो हूँ और ट्राई करूँगा इसको कैप्चर करने के लिए. लेट्स सी, ये मेरा बस है पीछे. दिस इज दुमकार बस स्टैंड. नथिंग हैज चेंज इन दिस बस स्टैंड. आई एम बीन कमिंग सिंस सो मेनी ईयर्स नाउ और आज करीबन 12-14 साल या 20 साल के बाद आ रहा हूँ यहाँ पे और उसमें भी कोई चेंज मेरे को मिला नहीं. ये मेरा आलीशान बस. 2:40 में बस है लेकिन पूरे बस में मेरे सिवा भी और फिलहाल कोई नहीं है. पूरा बस रिजर्व मेरे लिए. 2:40 और एग्जैक्टली डॉट टाइम पे बस स्टार्ट हो गई है. तो शुरुआत अगर अच्छा हुआ तो सब अच्छा ही होगा. आई वॉज वेरी एप्रिहेंसिव कि पता नहीं कितना भीड़ होगा. इतने सालों के बाद बस में जा रहा हूँ तो जगह मिलेगा नहीं मिलेगा. बट फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज सुपर एज ऑफ नाउ. बस ऑन टाइम अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गया और ये मैं सुंदर सा शहर और सुंदर सा रास्ता को निहारते हुए अपने जर्नी को एंजॉय करने लगा. इस जगह में मुझे बड़े बड़े घर द्वार भी दिखे जो कि कोई महल से कम नहीं था. कंडक्टर का चीख पुकार लोकल लाइट्स के साथ मज़ेदार था लेकिन मत पूछो, बाय गॉड की कसम. मैंने 200 रुपया का टिकट कटाया और आसनसोल के लिए आराम से अपनी सीट में बैठ गया. जैसे जैसे मैं बस में चढ़ के उन जगह से जा रहा था जो कि मैं बचपन में जाया करता था, बहुत बार गया था, वैसे वैसे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में जो फैब्रिक है मेमोरीज का वो और एनलाइटमेंट होने लगा, ब्राइट होने लगा. सुंदर सा लैंडस्केप, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ग्रीन लैंडस्केप और झिरझिर बरसात में मजा आ गया इस जगह को ट्रेवल करने में. 1992 किलोमीटर्स अगर मैं फोन के साथ होता तो शायद 2 घंटे में निकल गया. लेकिन बस से जब मैं पूछा, ड्राइवर से जब मैं पूछा कि भैया कितने देर में आप क्रॉस कराओगे, ही टोल्ड मी इट विल टेक सम 4.5 to 5 hours. 4.5 to 5 घंटा 1992 किलोमीटर्स. लेकिन बिलीव इन मी, वन ऑफ द ब्यूटिफुल बस राइड एवर इन माई लाइफ. अकेला था और बस का और वेदर का मजा लेते हुए की तरफ बढ़ता. मैं अभी जिस जगह में हूँ इस जगह का नाम है जामताड़ा, द फेमस जामताड़ा. तो शाम को करीबन 5:45 बज रहा है और मैं जामताड़ा में खड़ा हूँ. जामताड़ा का डर से चाय पीने के लिए उतरा जब तो सोचा कि बैग नहीं छोड़ते, बैग लेके चाय पीने उतरे. वैसे ये मेरा बस है लेकिन वही है कि जो दिमाग में बैठ गया बैठ गया, अदरवाइज सेफ जगह है. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है. कुछ असामाजिक तत्व के कारण जामताड़ा फेमस हुआ है, नॉट इन द राइट वे. बट चीयर्स.
जैसे जैसे मैं आसनसोल की तरफ बढ़ता गया, मुझे ये एहसास हो गया ये 4-5 घंटे में कि ये एक्सपीरियंस एक यूनिक एक्सपीरियंस हो गया मेरे लिए, क्योंकि इतने डिफरेंट तरीके का लोग तो देखा, डिफरेंट तरीके का प्रॉब्लम्स को समझा। सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे ये दिखा कि वो सिंपलिसिटी, यहाँ के लोग इतने सिंपल है, इतने सिंपल है कि क्या बताऊँ। काश अगर हम लोग भी इतना सिंपल हो सकते तो मजा ही आ जाता लाइफ में। 7:25 और मैं आसनसोल पहुँच गया। दिस इज आसनसोल। आप यहाँ से मुझे जहाँ जाना है वहाँ के लिए ऑटो पकड़ेंगे और जाएंगे। और ये थोड़ा साइन ऑफ, आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि हमें ज़िंदगी को जैसे है वैसे ही चलने देना चाहिए। ज्ञान दे रहा हूँ लेकिन ज्ञान भरी बात है जो मैं सीखा हूँ सुना हूँ, एंड सो दैट हमारे पास बाद में ये मलाल ना जाए कि साला एक ज़िंदगी थी जीनी थी और रह गई। विद दिस थॉट साइनिंग ऑफ फॉर द डे टुडे। बहुत तेज़ आवाज़ आया लेकिन इतना हॉर्न मारने का ज़रूरत क्या, समझ नहीं आता। एनीवे बाय बाय, टेक केयर।